हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, फाइनली नोकिया T20 टैबलेट जो है इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है। जैसे कि आप लोग यहां पे देख पाएंगे दोस्तों, अब जो है इस टैबलेट को BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये वाला जो है BIS की वेबसाइट पे स्पॉट किया गया है। बाय द वे फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नोकिया T20 टैबलेट जो है इससे पहले लगभग जुलाई और अगस्त के महीने में वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, उनकी भी वेबसाइट पे जो है स्पॉट किया गया था। तो इट सीम्स नोकिया T20 टैबलेट जो है प्लान हो रहा है इंडिया में भी लॉन्च होने का। इसके कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस में दोस्तों आप लोगों को यहां पे बता देता हूं, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं दोस्तों कि इंडिया में जो है इस टैबलेट की कितनी प्राइसिंग आप लोगों को यहां पे देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों इस टैबलेट के मैं डिजाइन की, तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों यहां पे जो डिजाइन आप लोगों को मिलने वाला है वो आपको मेटालिक यहां पे देखने को मिलने वाला है। नैरो बेजल्स यहां पे आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। एंड इंटरेस्टिंगली यहां पे जो कैमरा आपको मिलेगा दोस्तों वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। 3.5 mm का जो है ऑडियो जैक आप लोगों को यहां पे देखने को मिल रहा है। पीछे की तरफ बात करें तो दोस्तों सिंगल कैमरा विद LED आप लोगों को यहां पे देखने को मिल जाता है। 10 वॉट की जो है चार्जिंग दोस्तों यहां पे आप लोगों को सपोर्टेड देखने को मिलती है, व्हिच आई थिंक इज लिटिल बिट ऑन लोअर साइड। टैबलेट के केस में दोस्तों मुझे लगता है कि आज के टाइम पे लगभग 20 से 25 वॉट का जो है चार्जर यहाँ पे सप्लाई होना चाहिए। इवन आईपैड की सीरीज में भी आप लोगों को जो है 20 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाएंगे, और आप लोग देख पाएंगे दोस्तों की नैरो बेजल्स का भी यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिलता है। एज ऑफ नाउ दोस्तों इतना पता है कि ये वाली जो डिस्प्ले है वो जो है आप लोगों को LCD देखने को मिलेगी, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये दोस्तों देखना होगा कि इसकी जो रेजोल्यूशन है क्या निकल कर आएगी, वेदर इट विल बी फुल HD और फुल HD प्लस और क्वाड HD। एनीवे फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, मेरी आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कुछ बजट न्यू टैबलेट्स के लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आपको वहां पे जाके उन्हें जरूर चेकआउट करना चाहिए। करते हैं दोस्तों इस टैबलेट के मॉडल्स की, तो यहां पे दोस्तों आपको जो है इंडिया में दो मॉडल्स लिस्टेड होते हुए देखने को मिल जाएंगे, 1392 एंड 1397। तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ये वाले जो मॉडल्स हैं Wi-Fi plus 4G वाले मॉडल्स हैं। इंडिया में दोस्तों एक और मॉडल इसका स्पॉट किया गया है TA1394, तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों उसकी हाईर एंड कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द लीक्स दोस्तों इस टैबलेट के अंदर आपको जो रैम देखने को मिलने वाली है दैट इज 4GB ऑफ रैम एंड 64GB ऑफ स्टोरेज। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहां पे आप लोगों को एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है। चिपसेट इज लिटिल बिट You will find unique. यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे दोस्तों पहली बार आ रहे हैं मार्केट में ये वाले चिपसेट UniSoC T610, UniSoC T618, या फिर एक और दोस्तों लीक के माध्यम से उभर कर आया है UniSoC T700। तो ये वाली जो है आप लोगों को प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में। एज ऑफ नाउ दोस्तों उतना कुछ क्लियर नहीं है कि स्टोरेज जो है आपका एक्सपेंडेबल होने वाला है या नहीं। नाउ अगर मैं लीक्स की बात करूं दोस्तों, तो इंडिया में इसकी प्राइसिंग अगर दोस्तों बाहर के जैसी ही रखी, तो स्टार्टिंग प्राइसिंग इसकी जो दोस्तों आपको मिलने वाली है वो 18,000 रुपए तक देखने को यहां पर मिल जाएगी। अगर नोकिया यहां पे थोड़ा एग्रेसिव प्राइस पॉइंट इसको करता है तो 16,000 तक भी जो है ये वाला आप लोगों को टैबलेट देखने को मिल सकता है। नाउ दोस्तों यहां पे एक और चीज निकल कर आती है कि नोकिया के अगर आप स्मार्टफोन बिजनेस को देखें तो वहां पे यूजुअली आप लोगों को ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं, दो समटाइम्स उनके लॉन्च को थोड़ा बहुत सेंस बनाते हैं। तो यही देखना होगा दोस्तों कि क्या ये टैबलेट भी ओवर प्राइस यहां पर निकल कर आता है या फिर एक एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी डील यहां पर निकल कर आती है। बिकॉज टैबलेट्स लाइक दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें रियलमी की और बात करें दोस्तों सैमसंग की, तो यहाँ पे बजट सेगमेंट में कहीं ना कहीं वो एक अच्छे ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर नोकिया को यहाँ पे कुछ अच्छा करना है दोस्तों, तो एक अच्छी खासी वैल्यू फॉर मनी जो है इंडियन कंज्यूमर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। आपका क्या मानना है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए।